आपकी बातें सही लगती है ना कि सोसाइटी जो है मतलब साइंस तरक्की करती है जो जो है जो जो रिलीजन लॉन्ग टर्म में काम नहीं आते हैं Respect करता सर 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 पर सर मेरा एक क्वेश्चन है अब नहीं आते पहले हो सकता है आते हो पहले उन्होंने एक रोल प्ले किया हो लेकिन अब रिलीजन की कोई गुंजाइश नहीं आगे जाने के लिए अच्छा तो सर मेरा सर एक क्वेश्चन है सर जैसे क्या कहते हैं मैं तो सर वेजिटेरियन हूँ लेकिन हमारे हिंदू हमारे जो हिंदू हैं वो कई सारे ऐसे लोग हैं जो चिकन और मटन तो खा लेते हैं लेकिन गौ माता भी भी के लिए वो कहते हैं कि नहीं गौ माता नहीं खा पाएंगे क्योंकि वो डॉगमा जिसको आप डॉगमा कहेंगे ना कि नहीं गौ माता नहीं नहीं खाएंगे तो ये एक रिलीजियस डॉगमा हो गया कि भाई गौ माता नहीं खाएंगे पर चिकन और वो सब सही है वो खा सकते हैं मटन तो सारे वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ रिलीजन इतना वो नहीं होता इंपॉर्टेंस नहीं होता है तो वहां इतना कुत्ते बिल्ली के लिए क्यों होता है सर इतना वहां तो रिलीजियस डॉगमा नहीं है ना

गोरा जिसका फार्म होगा जहां पे भैंसे भी होंगी गाय भी होगी बकरियां भी होंगी मुर्गियां भी होंगी उसका कुत्ता होगा लेकिन कुत्ता जो है कुत्ते का उसने नाम रखा हुआ होगा लेकिन गाय भैंसों का उसने नाम नहीं रखा हुआ होगा क्योंकि उसने एज अ पेट नहीं रखा और उसकी वजह क्यों भाई उसने एज अ पेट क्यों नहीं रखा उसकी वजह यह है कि जो हरबेवरस एनिमल है क्योंकि इंसानों की एक जरूरत रही है मीट को कंज्यूम करने की यानी कोई भी मीट हो कंज्यूम कार्निवरस एनिमल को आप मीट की कंसम्पन के लिए कभी यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी अपकीपिंग बड़ी महंगी होती है यानी आप एक कुत्ते को एक पाला है उसको बोटियां खिलाएंगे तो फिर वो बड़ा होगा और फिर आप उसको खाएंगे तो नेट रिजल्ट ये होगा कि आपने उसको ज्यादा बोटियां खिला दी है जितनी आपको उसमें से मिलनी है इस यही वजह है कि जितने भी कार्निवरस एनिमल है उनको कभी पेट नहीं बना उनको कभी फूड की कंसम्शन के लिए नहीं रखा गया बिल्लिया और कुत्तों को पेट बना लिया गया क्योंकि उनकी हमारे साथ फ्रेंडशिप जो है एक लेवल पे बढ़ गई अब आ जाते हैं हर हर बेवरस बेवरस एनिमल एनिमल जब 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 भी हम 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 सि, सि, सिविलाइजेशन की की तरफ हम जब हम की तरफ गए गए सेटलमेंट्स तब फूड सोर्स को बढ़ाने के लिए गाय बकरियों को रखा गया शीप्स भेड़ों को रखा गया क्योंकि वो आपके नेचर से ही अपने फूड को खा लेती हैं और जब वो तड़ो तरो ताजा हो जाती हैं तो फिर उनको खा लिया जाता है तो ये एक इंसानी सोसाइटी का डॉगमा अगर आपने इसको कहना तो वो चलता चला आ रहा है उस वजह से अगर आपने कुत्ते और बिल्लियों को रखा ही एज अ पेट है तो फिर आप उनको खाएंगे क्यों लेकिन गाय भैंसों को पेट कभी नहीं रखा गया यस yes. अब आ जाते हैं आपके यहाँ पे पॉइंट पे कि हिंदू अगर ये कहता कि भाई हम गाय को मां मानते हैं हम गाय को नहीं खाना चाहते तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं आप उसको ना खाएं इवन के अगर आपने दूसरों को रोकना है तो आप उसकी बात भी कर सकते हैं no such thing. उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको फिर यह भी देखना पड़ेगा कि आपका गाय का जो डॉगमा है mute कर दो। आपको यू वेजिटेरियन to totally, uh, 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 तो फिर हम आपकी इज्जत भी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल वीगन लोग हैं आजकल मॉशर में वो वीगन लोग किसी भी चीज को नहीं खाते किसी एनिमल प्रोडक्ट को नहीं खाते आपके देखे कोई भी आर, आर्ग्यूमेंट जब आपने फ्लो, फ्लोट करना होता है ना तो उसकी हेल्थ देखी जाती है उसकी रीजनिंग और रैशनल देखा जाता है पीछे क्या अगर आपका रैशनल ये है जो हमें कई आगे कहते हैं गाय आपको दूध देती है और भाई बकरी भी देती है ऊंट भी देती है वो गाय हम तो आपके कल्चर में ऐसा प्रॉब्लम था लेकिन अगर आपने सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट अच्छा लगता है इसके ऊपर जो मैंने हमेशा इसके ऊपर बात की है मैंने मेरी आज की बात नहीं मैं बड़े अरसे कहता चला रहा हूं मैंने खुद भी वीगन बनने की कोशिश की एक आर्ग्यूमेंट है वो है मॉरल आर्ग्यूमेंट कि क्या किसी एनिमल को सफरिंग दी जा सकती है तो इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट है कि नहीं हमें सफरिंग को मिनिमाइज करना हमने सफरिंग को जितना मिनिमाइज हो सकता है हमने उसको उतना मिनिमाइज करना तो फिर आपने अगर ये लॉजिक और ये लॉजिक को मुझे अभी तक किसी ने काउंटर नहीं किया हर कोई एग्री यही करता हाँ हमें सफरिंग को कम करना चाहिए तो फिर गाय ही क्यों फिर बकरी और कुत्ता और खंजीर और मुर्गी हर चीज होनी चाहिए ये क्या बात हुई कि आपने मटन का तो इसका मतलब आपका रिलीजियस डॉगमा रिलीजियस डॉगमा की कोई वैल्यू नहीं है बाकी डॉगमा भी हैं उनको टैकल करने के और तरीके हैं जैसे मैंने आपको बताया ये मॉरल आर्गुमेंट है ये मॉरल आर्गुमेंट है कि शुड वी हर्ट वन एनिमल बट लीव दी अदर्स ओ सॉरी लीव एवरी अदर एनिमल बट वन ये ये सिर्फ उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट आता है मॉरल पे तो ऑब्वियसली वो फेयर नहीं है यानी कुत्ता भी बैठ है तो कुत्ते की कुत्ते को हमा, हमारी क्योंकि सिविलाइजेशनल तौर पे हमने इस चीज को डॉगमा बिठा लिया कि कुत्ता बड़ा प्यारा है इसको नहीं खाया जा सकता जिसकी वजह मैंने आपको बताई है उसकी रेवल्यूशनरी वजह भी है कार्डनिवरस एनिमल्स को कभी नहीं खाया जाता क्योंकि वो आपकी वो आपकी भी नहीं सही ये हो ही नहीं सकता आपने उसको ज्यादा बोटियां खिला दी है एज अपोज टू जितनी आपने खुद खानी है तो उसकी एक नेचुरल वजह भी है लेकिन अगर हम आप इसको भी देख लें नहीं अगर उसको आप पेट मानते हैं तो मैं गाय को अपना पेट मानता हूँ फेयर एनअ लेकिन फिर आपने सिर्फ गाय को ही क्यों रखना तो इसलिए यहाँ पे का आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी गोश्त को ना फिर खाएं फिर लेकिन ये यह बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती क्या वर्ल्ड में दुनिया में इतनी गंदुम या इतने इतना फार्मिंग लैंड अवेलेबल है कि हम नो आठ अरब लोगों को सब्जियां खिला सकें ऑब्वियसली आंसर इज नो अगर हमने दरख्तों को और जंगलों को खत्म करके वहां पे फार्मलैंड बना दिया ये भी इन्वायरमेंट के लिए खराब है तो इसका सिर्फ एक ही सलूशन है इसका सोल्यूशन अनफॉर्चुनेटली है कि जब हम लैब ग्रोन मीट को फोर्ड बन चुका हुआ एक जो बीफ का पैटी है वो तकरीबन हजार डॉलर का भलता है लैब में तो ये जब प्राइस नीचे आएगी जब हम इसको सस्टेनेबल कर सकेंगे देन दैट प्रॉब्लम विल बी गॉन फिर उस बंदे को इवल कहा जाएगा जो ये जिद करेगा नहीं नहीं मैंने उसके अंदर कम्युनिटी सबसे आगे होगी मोमिनों की या राइट विंग जो कहते हैं हाँ हमने ताजा खाना है फ्रेश खाना है उस वक्त भी इस तरह के लोग होंगे लेकिन उनको उनको बोला जाएगा कि ये एनिमल्स को मार के खाते हैं हैं एनिमल्स को अननेसेसरी सफरिंग देते हैं। तो ये इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट है मेरा थैंक यू सर और सर मैं यही कहना यही कहना चाहूंगा सर की पहले मैं भी चिकन मीट खाता था मटन खाता था और मुझे भी गाय से बहुत प्यार था फिर सर मैंने वही लॉजिक जो गाय पे हम लगाते थे वो फिर मैंने चिकन पे और मटन मतलब बकरे पे भी लगाना शुरू किया तो सर फिर तब जाके मैं फिर प्योर वेजिटेरियन बनाऊ सर लेकिन फिर सर एक हिंदू सोसाइटी में ना सर एक और एक हिपोक्रेसी है सर स्पेशली नॉर्थ इंडिया में वो ये कि गायों को नहीं देते मतलब उसको स्लॉटर करने के लिए क्योंकि तो गाय तो मतलब पवित्र है मतलब प्योर है लेकिन भैंस जो होते हैं ना हिंदू जो भैंस पालते हैं वो दे देते हैं वो मतलब उसको स्लॉटर हाउस को क्योंकि भैंस तो खाई जाती है नॉर्थ इंडिया में भी मुस्लिम्स खाते हैं कई लोग खाते हैं तो ये भी हिपोक्रेसी है ना सर क्योंकि भैंस बिल्कुल गाय जैसी होती है ठीक है और मतलब की कोई वैल्यू नहीं मतलब तो मुझे इसलिए भी सर बहुत बुरा लगता है हिपोक्रेसी, ये है और ये सही है आपकी आपकी बात सही है ना यू अगर यानी ये नहीं होगा कि मेरे लिए एक यू हैव टू बी लॉजिकली कंसिस्टेंट अगर आपने एक असूल अपने तो लिए रखा है वही सबके लिए रखा जाएगा या एक असूल किसी और के लिए रखा है वही अपने ऊपर रखा जाएगा अगर आप ये हैं कि गाय को हम सफरिंग नहीं देना चाहते तो बंदा पूछे बकरे ने ताड़ी पैन कड़ी है बकरे को क्यों नहीं बकरे को क्यों तकलीफ देनी है आपने तो ये सारे जो है ना ये लॉजिकली कंसिस्टेंट होना चाहिए और जो जो गोरों का जो है ये क्रिश्चियन उनमें भी ये प्रॉब्लम है ये ये हिंदुओं ने ये आर्गुमेंट नहीं लगाया ये पीटा का बहुत पुराना बिलबोर्ड्स लगते थे आज से दस पंद्रह साल पहले वो पहले दिखाते थे सिर्फ आंखें जानवरों की और कहते थे इनमें से कौन कौन से जानवर आप खा सकते हैं और कौन से जानवर आप नहीं खा सकते और फिर बाद में पूरी तस्वीर आती थी कि कुछ आंखें कुत्तों की हैं कुछ आंखें बिल्लियों की हैं कुछ आंखें गायों की और बकरों की है तो दैट वॉज अ गुड क्वेश्चन कि भाई कुत्ते को तो नहीं खा सकते क्योंकि हमें बड़ा प्यारा लगता है और बकरे को बेचारे को खा सकते हैं दैट इज अ क्लियर हेपोक्रेसी इन आवर वेस्टर्न सोसाइटी लेकिन